हेलो दोस्तों, मिशन सिविल सर्विसेज की तरफ से गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इस समय 2021 में हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि वैश्विक महामारी के दौर में मना रहे हैं। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखते हुए राजपथ पर, जहां हर साल करीब 1.25 लाख लोग इकट्ठा होते थे, भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति के भव्य प्रदर्शन को देखने के लिए वहीं पर इस महामारी के दौर में 25,000 लोग ही आ सकते हैं। इस साल कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे मोटरसाइकिल स्टंट को इस बार शामिल नहीं किया गया। आज के दिन राजपथ पर भारतीय संस्कृति, जो कि अनेकता में एकता का प्रतीक है, उसका भव्य आयोजन देखने को मिलता है, जहाँ पे भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका रीजन है कि इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। संविधान, भारतीय संविधान, आपको पता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान तो बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को ही, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी को, तो उसका भी एक कारण रहा होगा। इसके इतिहास में अगर जाते हैं तो याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि अंग्रेजों के समय में अखिल भारतीय स्तर पर एकमात्र प्रतिनिधि संस्था हुआ करती थी, उसका वार्षिक आयोजन हुआ लाहौर में 1929 का, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पास किया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी, जो कि 26 जनवरी के रूप में मनाया जाना निश्चित किया गया था। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा, जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे चुनावी एक संस्था थी, एक सभा थी, उसके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में कुल 11 बैठकें शामिल की गईं। कुल 11 बैठकों के साथ 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। अगर हम
बात करते हैं पहले गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी 1950 को जो मनाया गया, उसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने उस समय 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण करके भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। एक बात और कि जो पहला आयोजन हुआ था, गणतंत्र दिवस का पहला आयोजन हुआ था, वो राजपथ पर ही हर साल होता है अभी तो, लेकिन पहला जो गणतंत्र का आयोजन किया गया वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। इरविन स्टेडियम आज का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, इसका पहला आयोजन वहीं पे किया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ फैक्ट्स जो करंट से रिलेटेड होंगे। इस बार एक विदेशी, मतलब भारत का पड़ोसी देश, जिसका एक सैन्य दस्ता भी इसमें शामिल हुआ है, नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का एक सैन्य दस्ता, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश 26 जनवरी के दिन अपने एक सैन्य दस्ते के साथ शामिल हुआ है। इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, जैसे कि 2016 में फ्रांस का सैन्य दस्ता आया हुआ था, 17 में यूनाइटेड अरब अमीरात का सैन्य दस्ता शामिल हुआ था। इसी प्रकार इस बार बांग्लादेश का भी सैन्य दस्ता इसमें शामिल हुआ है। बात करते हैं लद्दाख के बारे में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी शामिल हुआ है, और लद्दाख की तरफ से भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो कि हेनले में स्थित है, का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, इस बार मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस बार मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, लेकिन महामारी के चलते, वैश्विक महामारी के चलते वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, अब बात करें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के, 72वां गणतंत्र दिवस है। इसका आयोजन तो होता है, इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसके समापन की अगर हम बात करेंगे तो इसका समापन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ किया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। और कामना करते हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा अग्रसर रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बार फिर से मिशन सिविल सर्विसेज की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनुराग पांडे अब इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो के साथ अब कल मिलेंगे, जिसमें इतिहास मध्यकालीन भारत, जो कि मुगल साम्राज्य चल रहा था, उसमें हम जहांगीर के बारे में बता चुके हैं। अगली वीडियो शाहजहां के बारे में रहेगी, और अब उसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।